No. Oh my god. ऐसी खींच रही थी तुम बीच में लोगों को। शाबाश मेरे शेर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हमारा है डे 4 गोवा में और हम लोग आज जा रहे हैं साउथ गोवा। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे साउथ गोवा में। आज हमारे पास स्कूटी नहीं है क्योंकि आज हमारे पास फोर व्हीलर है। हमारा जो दोस्त जिसके वहाँ हम रुके हुए हैं वो आज, उसकी आज छुट्टी है, वो फ्री है और उसको आती है फोर व्हीलर ड्राइविंग। तो हम लोगों ने रेंट आउट कर लिया है एक फोर व्हीलर और हम चारों लोग आज जा रहे हैं साउथ गोवा। सो लेट्स गो। गाइस अभी हम रुके हैं नारियल पानी ब्रेक पे। ये बहुत मस्त है और नारियल पानी बहुत मस्त है। पूजा, क्या तुम नारियल पानी पियोगी? नहीं। ये देखो कितना बढ़िया जंगल है। और ये है हमारा न्यू एंट्री मिस्टर आकाश मस्के। आकाश आकाश, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। तो ये बंदा रहता है गोवा में। That is my signature style. ये बंदा रहता है गोवा में। किसी को भी गोवा आना है फ्री में तो आप इसके घर रुक सकते हैं और ये एक दिन छुट्टी लेके आपको गोवा भी घुमा सकता है। ठीक है आकाश? Yes, yes, yes. दीदी, इधर गोवा में क्या मिलता है? क्या मिलता है गोवा का फेमस? रोटी चावल भात। वेट, नॉन वेज में क्या आपको? किंग फिश मिलेगा, क्रैब मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा? हाँ, सब। और अगर वेज लाइन पे गया तो सब फिश। और वो एक बटरफ्लाई बोल के, वो बटरफ्लाई फर्स्ट लेफ्ट है। फर्स्ट लेफ्ट, अच्छा वो। हाँ, लेकिन थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है। अच्छा। और आप लोग जाना है तो इधर से भी जा सकते हैं कि आगोंदा या पालोलम से जाते हैं बोट ट्रिप से। अच्छा। हाँ, बोट ट्रिप से सीधा वो वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। क्या ये क्या, हमारी फोटो लेते रहते तुम बार बार? हाँ, विदाउट परमिशन। वेट, ऐसे लेती मैं। क्या है, लोगों ने देखा ये सब चीजें? क्या दिखा रही हूँ? आज पहली बार खा रहे हैं क्या? वो काकूनी कापलं ना नारळ असं तेव्हा काढायला पाहिजे होतं तू। हां, पण तू विसरली। क्या बोला? विसरली मतलब भूल गई। भूल गई, गूगल ट्रांसलेट हम नहीं समझा रहे। जब उन्होंने ऐसे काटा था ना, सबसे को निकालना चाहिए था वीडियो, भूल गए। अच्छा, असा तुमची साजा पाणी झाले असा। बरोबर, करपा काही करपा करपा करपा। सो गाइस, यहां से आगे का रास्ता कच्चा है, फोर व्हीलर्स जा सकती हैं लेकिन पक्की सड़क नहीं बनी हुई है। यहां आते आते हमें थोड़े से मोशन सिकनेस भी हुए, है ना पूजा? लेकिन ठीक है, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा बहुत क्या तो संकट झेलने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जाएंगे बटरफ्लाई। ये जो गाड़ियां हैं अभी आपको ड्रॉप कर देंगी और ये पेड सर्विस। सो गाइस, हमें चलते चलते 15 मिनट हो चुके हैं बटरफ्लाई बीच पहुंचने के लिए। आपको आई थिंक सम 20-25 मिनट्स लगेंगे। हम अभी भी रास्ते में हैं, आप चाहो तो आप जीप से भी आ सकते हो। यहाँ पूरा जंगल है, बहुत ही शांति है, कच्ची सड़क है, वहीं से आपको ट्रैकिंग करनी है। और अगर आपके पास टू व्हीलर्स हैं तो आप टू व्हीलर से आ सकते हो, फोर व्हीलर इधर अलाउड नहीं है अदर देन द जीप जो यहाँ लोगों को कुछ अमाउंट पे करके ड्रॉप कर रही है।
बट ये एक्सपीरियंस भी हमको लेना है ना ट्रैक का. काफ़ी लोग यहाँ चल के आ रहे हैं हमारे पीछे से भी, और आगे अगर आप देखो तो लोग जीप से आए हैं. यू ऑलमोस्ट रीच्ड राइट. मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की. पूजा तुम कभी पहाड़ों में चढ़ी नहीं हो ना. तुम ऐसे चल रही हो जैसे कि तुमने ऐसे रास्ते कभी देखे नहीं है. ओहो सो गाइस देखो हमें अराउंड लग गए हैं 25 मिनट्स का पैदल वॉक. जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ से अगर आप स्कूटी है आपके पास तो आप लोग आ सकते हो. सिर्फ अगर स्कूटी है तो शायद सिर्फ 2-3 मिनट का वॉक है वहाँ तक. आप स्कूटी ला सकते हो तो ये चॉइस आपकी है. बीच में बीच आने से पहले एक जगह कुछ खाने का भी मिलेगा आपको, एक छोटा सा शॉप, तो आप वहाँ पे अगर चाहो तो कुछ खा सकते हो. एंड बीच आ गया है. मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है. ऑलमोस्ट देयर ऑलमोस्ट देयर ऑलमोस्ट देयर. Guys, this is the beach. ये तो बड़ा सुंदर है यार. अपन अब यहाँ से कब निकलेगा शाम को. वाओ ये वो नहीं लाया ना. लाया ना भाई. तो मुझे हो गया सबके लिए. अभी जाते हैं यहाँ पे उतरते हैं. बोट में जाना है. बोट बोट में जाना चल के भाई. वहाँ से जो व्यू दिखेगा ना वो गजब का दिखेगा बंदा. ये तो बहुत ही अच्छा बीच है. ये देखो दोस्तों यहाँ का पानी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है, और मुझे नहीं पता कैमरा में कैसा दिख रहा है लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा बीच है. और यहाँ फिलहाल गर्मी बहुत है लेकिन ठीक है, आई थिंक पानी में जाने के बाद बढ़िया लगेगा हम लोगों को. यहाँ बोटिंग भी हो रही है तो आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो. इस बीच का नाम बटरफ्लाई बीच क्यों है, क्योंकि देखो इसका शेप बटरफ्लाई के जैसा है. दैट्स वाई इसको बटरफ्लाई बीच कहते हैं. बट ये बहुत ही सुंदर है गाइस. दिस इज लाइक ऐसा बीच है जिसको ज़्यादा लोगों ने अभी एक्सप्लोर किया नहीं है. तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ आ सकते हो अगर आपको क्लीन बीच चाहिए तो. गोवा में नॉर्मली जहाँ पे कमर्शलाइज एरियाज हैं वहाँ पे उतने क्लीन बीचेस हैं नहीं, बट दिस इज लाइक वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच. सो Come and explore this place. This is really beautiful. Wave your hands. So guys, यहाँ से काफी पास पालोलेम बीच है जो कि साउथ गोवा का काफी फेमस बीच है. तो अगर आप चाहो तो वहाँ से बोट से भी आ सकते हो. वहाँ से बोट की फ्रीक्वेंसी 15 या 30 मिनट्स है. अभी चलते हैं फोटोशूट कराने के लिए इन सुंदर से पत्थरों में. जल्दी जल्दी टाइम पास मत करो, हमें निकलना है यार. टाइम पास नहीं करोगे यहां पे. रिलैक्स नहीं करोगे. नहीं 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 यहां पे रिलैक्स नहीं कर रही. उतरा नहीं जा रहा इस गाड़ी से. आ जाओ वंदा में भी इस गाड़ी जाती है वहां पे. एक सेकंड ना.
ऐसे खींच रही थी तुम बीच में लोगों को, यही करना था इतना। शाबाश मेरे शेर। हम वहां पे चढ़े थे। बटरफ्लाई बीच से वापस, बहुत मजा आया, बहुत पानी बहुत फ्रेश था और क्लीन था। अभी हम जा रहे हैं दूसरे बीच। ये देखो यहाँ पे इतना शांति है जंगल में, मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। तो इट्स अ नाइस प्लेस, थम्स अप फॉर दिस प्लेस। आई थिंक अभी तक जितने भी बीचेस में हम गए हैं या जो भी व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं, उनमें से अभी तक का मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस इसी बीच का था। तो लोग भी आइए, एक्सप्लोर कीजिए। इट्स वर्थ गाइस, इट्स वर्थ।